बखरी नगर परिषद के वार्ड नंबर 14 में केंद्र संख्या 43 से स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम को लेकर पूरे वार्ड नंबर 14 में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान श्रीमती अनीता सैनी, रविंद्र सैनी, उप मुख्य पार्षद श्रीमती ज्ञानती देवी, रामचंद्र सैनी समेत अन्य लोगों ने झाड़ू लेकर सफाई अभियान कर रही थी। सफाई कार्यक्रम के दौरान अपने वार्ड परिषद को निर्मल व स्वच्छ बनाए रखने के लिए अपने वार्ड नंबर 14 लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए वार्ड पार्षद श्रीमती अनीता सैनी ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा के तहत चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान में बखरी नगर को स्वच्छ नगर घोषित करने में मदद करे। आगे उन्होंने बताया, सूखा एवं गीला कचरे को अलग अलग कर कचरे को निस्तारण स्थल तक पहुंचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अपने आसपास गंदगी को बिल्कुल जमा ना होने दे, गंदगी के कारण ही कई तरह की बीमारी फैलती है। मैडम, आज आप लोग के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया है और कहां से कहां तक ये चलाया गया? सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देना चाह रहे हूँ कि आपने यहाँ पे आए, और उसके बाद यहाँ पे जितने भी 14 नंबर के वार्ड और 13 नंबर का वार्ड का भी आदमी शामिल है, उनको तहे दिल से सम्मानित, जितने भी जनता है मैं उनको सम्मानित तहे दिल से करना चाह रही हूँ। और स्वस्थ भारत अभियान एक ऐसा अथी है जो हम इसको झुठला नहीं सकते हैं, और बच्चे को हम सिखाते हैं यहाँ तक कि घर साफ सफाई कीजिए और घर स्वच्छ रखिए, लेकिन हम ये नहीं बता पाते हैं बच्चे को कि स्कूल जाइए, सड़क कहीं भी जाइए तो आप अपना गंदगी मत फैलाइए, अगर गंदगी है तो उठा के अपना डस्टबिन में डालें, लेकिन ये हम लोग नहीं कह पाते हैं। लेकिन हम एक दूसरे से, सभी से, समाज से और जितने भी यहाँ जनता सम्मानित जितना भी है, सभी से हम आग्रह करना चाह रहे हैं कि गंदगी ना फैलाए। इससे क्या होगा ना कि बीमारी का बचाव होगा, उसके बाद हम समय समय पर चूना ब्लीचिंग भी करवा रहे हैं, अति केमिकल भी डाले हैं, तो ये सब हम लोग का प्रयास है। और जनता से अपील करना चाह रहे हैं कि इसमें सब हम लोग को सपोर्ट करें और हम लोग साथ हैं और साथ मिलकर साफ सफाई में लगे रहेंगे। मैडम, आप लोग के द्वारा आज स्वच्छता अभियान निकाला गया है, कहाँ से कहाँ तक किया गया? वार्ड नंबर 14 से निकाला गया है, आंगनबाड़ी से, स्वस्थ सुंदर और गांधी जी का था, मतलब सपना था जो भारत सुंदर स्वस्थ बने, और हम लोग भी इसी में लगे हुए जो भारत स्वस्थ सुंदर बने और कोई बीमारी उमारी नहीं हो। इस